गुजरात में जहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, तो वहीं कांग्रेस के सामने अपना अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो गया है। इन सब के बीच चर्चा का विषय यह भी है कि ओवैसी का गुजरात में क्या हाल हुआ है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने गुजरात की 15 विधानसभा चुनाव पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। आइए हम इस रिपोर्ट में जानते हैं कि ओवैसी की पार्टी का गुजरात में क्या हाल हुआ है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 182 सीटों की बजाय सिर्फ 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। इन 15 विधानसभा सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस जीतती नजर आ रही है। लेकिन चुनावी परिणामों के हिसाब से ओवैसी ने बीजेपी की कोई खासी मदद नहीं की। ओवैसी की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट भुज विधानसभा में मिले हैं। यहां ओवैसी की पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए शकील शमा को 31,000 से ज्यादा वोट मिले। वहीं कांग्रेस को इस सीट पर 36,000 वोट मिले। यहां से बीजेपी के केशुभाई शिवदास पटेल ने 96,000 से ज्यादा मत हासिल किए और चुनाव जीत लिया। इसी तरह ओवैसी की पार्टी के गुजरात अध्यक्ष साबिर भाई काबुलीवाला जमालपुर खड़िया से अपनी किस्मत आजमा रहे थे। यहां पर साबिर भाई काबुलीवाला को 15,677 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के इमरान खेड़ावाला ये सीट जीतने में कामयाब रहे। इमरान यहां से पूर्व में विधायक रह चुके हैं। ओवैसी की पार्टी सिर्फ इन 2 विधानसभा सीटों पर ही टक्कर में दिखाई दे रही है, बाकी सभी जगह पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। ओवरऑल वोट शेयर में ओवैसी की पार्टी ने नोटा से भी कम वोट पाए हैं। ओवैसी को पार्टी को जो 0.29% वोट शेयर मिला, वहीं नोटा को गुजरात चुनाव में 1.58% वोट प्राप्त हुए हैं।